देखिए 7 दिनों में 15वां घर होगा ये, हो तो जाएगा ना यहाँ। देखिए और एम्बेरसमेंट नहीं चाहिए मुझे, नाम तो बताया था ना आपने मेरा। नमस्ते आंटी। हाँ नमस्ते, मैं शोएब। चिंटू भैया से बात हुई होगी ना रूम के लिए? हाँ आ जाओ। हाँ जी, जूते बाहर उतार दो। अपने मंदिर जी काफ़ी अच्छे से रखा हुआ है आपने घर को, मुझे साफ घर बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे चिंटू ने तुम्हें बता दिया होगा कि मेरी क्या कंडीशन है घर देने की? जी जी सब एकदम क्लियर कट। जहाँ तक रही खाने की बात, मैं तो खुद बचपन से वेजिटेरियन हूँ, तो उस मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मेरा मतलब कि फैमिली। जी सब अलीगढ़ में रहते हैं, घर में मम्मी हैं, अब्बू हैं और एक छोटी बहन है। वैसे आप यहाँ अकेले रहते हैं दिल्ली में? नहीं 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 नहीं, अकेले क्यों रहना है, सारे रिश्तेदार हैं मेरे, आसपास वाले भी हैं, और मेरा एक भांजा है, सब इंस्पेक्टर है, बहुत ध्यान रखता है मेरा। जी मैं तो वैसे ही पूछ रहा था बेसिक नॉलेज के लिए। चिंटू ने तुम्हें बता दिया होगा ना कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के हम किसी को घर ही नहीं देते? हाँ जी बताया था, आप सारे पेपर्स रेडी हैं, और अगर आपको आधार कार्ड अभी चाहिए तो मैं अभी। वैसे काम क्या करते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वैसे कंपनी में कैंपस में भी रहने का ऑप्शन है। सैलरी क्या मिल रही है तुम्हें? अभी ट्रेनिंग पीरियड में हूँ तो 30,000 मिलता है, बाकी 3 महीने बाद से 35,000 मिलेंगे। इतनी सैलरी में राशन, बिजली, पानी, बाकी के महीने के खर्च, 12 महीने के चेक्स एक साथ दे पाओगे? अब किसी डिसेंट जगह घर लेना है तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। वैसे भी यहाँ तो लोग नाम सुन के ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ जी पाजी, नमस्ते। पाजी वो एक मुंडा बैठा आया है नया किराएदार। अच्छा? हाँ पर जरा देख समझ के नहीं, किसी नु टाइम सही नहीं चल रहा, हो सके तो अपनी बिरादरी का ढूंढ ले कोई। ठीक है ठीक है पाजी, उधर ना को कुड़ी दे सोरिया नु ना कुछ भेजना सीगा। हाँ पैसे पूसे मिल जाते, मैंने थोड़ी मदद मिल जाती। मैं लगाता हूँ चक्कर उधर को। हाँ अच्छा सुन, ऐ परजाई बुला रही तेरी है ना? अच्छा चलो तो मैं शाम को फिर तेरे से बात करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं शाम ही करनी है थानू। हाँ नमस्ते। ठीक है नमस्ते जी। अरे वहाँ क्या कर रहे हो? मंदिर है वहाँ पर, हटो वहाँ से। सॉरी वो बुक्स पर नज़र गई तो पैर खुद ही चले गए वहाँ पर, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है आपका। मेरे हस्बैंड को शौक था किताबें पढ़ने का, अभी भी स्टोर रूम में बैग भरे पड़े हैं किताबों से। मुझे भी हिंदी साहित्य का बड़ा शौक है, अबू की प्रिंटिंग प्रेस थी तो सारा दिन वहीं पन्नों की खाक छानने में निकलता था। खैर आपकी इनमें से फेवरेट बुक कौन सी है? रसखान की रचनावली। रसखान, हरी के सब आधीन पै, हरी प्रेम आधीन, याही ते हरी आप ही, याही ते हरी आप ही, याही बड़प्पन दीन। वाह आपको तो बिल्कुल याद है। अच्छा तो चलिए ये वाला बताइए, प्रेम प्रेम सब कौ कहत, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोई। माशाल्लाह तो ये तो पता चल गया कि आप भी रसखान की तरह कृष्ण भक्त हैं। पिछले 31 साल से हर साल जन्माष्टमी पे मथुरा वृंदावन जाती रही हूँ।
अब सब ठीक लग रहा है तो मैं चेक साइन कर दूं? ठीक है। आज मुझे लग रहा है कि मैं भी वृंदावन पहुंच गया रसखान की तरह। मतलब? रसखान भी तो पहुंचे थे वृंदावन अपनी कर्म भूमि की तलाश में, जो मिली उनको कृष्ण के रूप में। कृष्ण की भक्ति ने सैयद इब्राहिम खान, जिसको कोई नहीं जानता था, उसको बना दिया कवि रसखान। प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम ना जानत कोई। जो जग जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोई। सुनो, चाय पियोगे?